नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। नजर डालते हैं हर जगत की बड़ी खबरों पर। टॉप 10 क्रिमिनल्स की सूची में मोदी को दिखाने पर गूगल के सीईओ ने चिट्ठी लिखकर मांगी माफी। मोदी को क्रिमिनल्स की सूची में दिखाने पर गूगल के सीईओ और हेड को मिला था नोटिस। बेनामी लेन देन विधेयक में संशोधन को सरकार ने दी मंजूरी। प्रावधानों को कानूनी और प्रशासनिक लिहाज से मजबूत करने के लिए किया गया है संशोधन। प्रिंट मीडिया में एफडीआई बढ़ाने पर सरकार की नामंजूरी। सरकार ने एफडीआई की सीमा को 26% तक रखने का किया फैसला। प्रिंट मीडिया में एफडीआई सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव काफी समय से था लंबे। हवाई जहाज से सस्ता होगा बुलेट ट्रेन का किराया। अगले 6 साल में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने की है उम्मीद। प्रोजेक्ट में जापान 81% लोन के रूप में लेगा हिस्सेदारी। बाजार खुलने के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। सेंसेक्स 38 अंक टूटकर लगभग 28,000 के स्तर पर, वहीं निफ्टी 0.1% की गिरावट के साथ 8,555 पर कर रहा है कारोबार। अर्थ जगत में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।